जनपद में प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण देने के लिए 2022 व 23 का लक्ष्य निर्धारित हुआ, जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 22 व 23 का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग पार्टनर भी निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें राजकीय ITI भी शामिल है। इसके अलावा प्राइवेट ITI को भी लक्ष्य दे दिया गया है। उन्होंने कहा, जनपद गोरखपुर का 3,200 लोगों का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक, ब्यूटी पार्लर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सहित अलग अलग क्षेत्रों में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको शुरू करने के लिए सभी ITI को निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि 135 बच्चों ने अपना स्किल डेवलपमेंट में रजिस्ट्रेशन कराकर अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है, जिसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने पर छात्रों का प्लेसमेंट करवाया जाएगा। इस तरह छात्रों को रोजगार मिलेगा, जिसके लिए एक वृहद रोजगार मेला आयोजित होगा, जिसमें तमाम कंपनियां भाग लेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारा कौशल विकास मिशन है, उसके अंतर्गत गोरखपुर को 22-23 का जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर दिया गया है। ट्रेनिंग पार्टनर्स भी निर्धारित कर दिए गए हैं, जिसमें हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज या ITIs भी हैं राजकीय, और जो प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उसको भी ये लक्ष्य दे दिया गया। कुल लक्ष्य जो मिला है 3200 का है, अलग अलग सेक्टर्स में है, जिसमें ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका ब्यूटी पार्लर या हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, अलग अलग सेक्टर्स में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेके आज सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स और गवर्नमेंट ITI और जो पॉलिटेक्निक एक मीटिंग की गई है, जल्द से जल्द बच्चों को ये जो ट्रेनिंग का काम है, स्किल डेवलपमेंट मिशन का काम है, इसको शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें से 135 बच्चों ने अपना जो निर्धारित स्किल डेवलपमेंट मिशन में जो अपना एनरोलमेंट करा के ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, और इसके बाद इसका इनका असेसमेंट होगा, प्लेसमेंट तक की व्यवस्था की जाएगी। स्किल्स आने के बाद जो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट की जिम्मेवारी भी ट्रेनिंग पार्टनर्स की है। उसमें वो अपने जितने भी कंपनियां हैं उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं, और जैसे अभी 1 जुलाई के पहले हफ्ते में एक वृहद रोजगार मेला भी होगा, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जो पहले बच्चे जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट मिशन में किया है उसमें आके अपना प्लेसमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए कुछ लक्ष्य भी रखा, कितने बच्चे? हाँ, ये लक्ष्य अभी आएगा तो जैसे ही डिटेल आएगा आपसे शेयर कर दूंगा। अभी जो हमारा मेला है उसकी प्लानिंग चल रही है, जैसे ही हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं तो आपसे लक्ष्य हम शेयर कर लेंगे।